एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव दौलतपुर अजमतपुर पड़ा। लगभग 2800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गोहर अली हैं। लगभग 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर गांव में किए गए विकास कार्यों की जाए तो ग्राम प्रधान द्वारा गांव में 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं और कुछ हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं 60 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 60 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, शौचालय तथा ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास भी बनवाए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास, सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी के लिए नाले के निर्माण की मांग केंद्र में राज्य सरकार से की है, जिससे गांव की तरक्की व विकास हो सके। मैं जो हूँ ग्राम प्रधान गोहर अली का पुत्र हूँ। मेरा नाम सत्य अली है। हमारी ग्राम पंचायत का नाम दौलतपुर अजमतपुर, विकास खंड मुंडा पांडे, थाना मुंडा पांडे, तहसील व जिला मुरादाबाद। हमारे जो ग्राम पंचायत में जो काम अब से पिछले महीने में हुआ है, करबला से लेके और इकरार के घर तक, तो उस कार्य में जो नाली बन गई है, लेकिन इतना खाते में धनराशि नहीं थी कि जो है उसकी हम इंटरलॉकिंग करा देते। नाली बनने से पहले वो वहाँ जो रास्ता इतना ख़राब था, बहुत जो कीचड़ थी, लोग वाल जो है निकलना पाते थे, और वहाँ पर जो है जो रास्ता हमने कराया है तो वहाँ जो है मेला लगता है मुहर्रम व चेलम, तो वो रास्ता बनने से पहले इतनी जो है वहाँ नालियों में गंदा पानी रह गया था, लोग वाल जो है निकल भी नहीं पावे थे। तो वो जो रास्ता बन गया है उसमें ज़रूरत है हमें जो है वहाँ जो है इंटरलॉकिंग हो जा या जो है वैसा सीसी रोड पड़ जाए। तो हमें जो है ये उम्मीद है आपसे कि हमारी इस बात को जो है ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे कि जो है हमारा जो है ये अगला काम जो है जो रुका हुआ है पूरा हो जाए। और दूसरी बात ये है, हमारे गांव में जो है 2011 में जो पीएम आवास की जो सूची थी, तो उसमें जो है हमारे गांव में जो है नाम बहुत कम थे। लगभग इसमें जो तीन वो लगते हैं गाँव, उसमें तीनों में 12-13 नाम थे, जिसमें 5-6 आदमियों को जो है आवास मिल चुकी है, बाकी 5-6 शेष हैं। उसके बावजूद जो है गांव में जो है बहुत ऐसे गरीब लोग रह गए हैं जिनकी जो बिल्कुल मकान ही नहीं है, उनके घरों पर पिन्नी पड़ी है और छप्पर पड़े हैं। वो आप जो है जाके जो है देख लें उन्हें, हम आपके साथ चल रहे हैं। हमारे जो है लगभग 60-65 ऐसे जो है लोग हैं गाँव के अंदर जिन्हें जो है ये आवास मिलने चाहिए। वो बहुत ही उनकी जो है स्थिति ऐसी है कि वो जो अपने आप नहीं बनवा सकते।